फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिक्स पेट वर्ल्ड। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए हमारे एक्वेरियम में कितनी ज़्यादा एल्गी जमी हुई है। आप देख सकते हैं हमारा एक्वेरियम, ये हमारा कम्युनिटी टैंक है जिसमें हमने टाइगर बाग डाली है, पोलर बेयर डाली हुई है, कलर विडो डाली है, सारी मिक्स करके डाली है। और ये देखिए इसमें कितनी एल्गी जमी हुई है, आप देख सकते हैं। तीनों साइड से आपको बताता हूँ मैं, ये देखिए कितनी एल्गी जमी है। अब मैं इसमें आपको ये बताता हूँ कि ये साफ कैसे करना है। मैं इसमें ये प्लेको फिश है, हमारे प्लेको फिश की एल्बिनो प्लेको फिश है और ये ब्लैक प्लेको फिश है, तो मैं ये ऐड करूंगा इसके बीच में। और देखिएगा कि ये कितना क्लिस्टर कर देगी हमारे एक्वेरियम को, ग्लास को। मैं कोई इस पर कोई कुछ नहीं मारने वाला, कोई इस पर स्क्रबर नहीं मारूंगा, कुछ भी नहीं मारूंगा। ये सारी एल्गी जो प्लेको फिश है वो सारी खत्म, इसको खा के तो ख़त्म कर देगी। हेलो फ्रेंड, देखिए इस टैंक में मैंने रात को एलिगेटर ऐड कर दिए थे, जिसको कि सक्कर फिश भी बोलते हैं, कि क्रोकोडाइल फिश भी बोलते हैं। क्रोकोडाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो स्किन होती है बड़ी ज़्यादा हार्ड होती है। ये देखिए मेरा ये टैंक है, इसमें मैंने सिर्फ यही चीज़ें सक्कर फिश ही ऐड की हुई है इसमें सिर्फ। तो मैंने रात को इसमें से दो निकाल के तो इसमें ऐड की थी। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे है एल्बिनो सक्कर फिश है और दूसरी वाली यहाँ पे छुपी हुई है इस फिल्टर के नीचे। या अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो ये देखिए ये ब्लैक कलर की सक्कर फिश है, तो इन्होंने ओवरनाइट किया गया, पूरी की पूरी एल्गी जो है वो खा दी हुई है। फ्रंट आप देख सकते हैं पहले कितना ज़्यादा ब्लरी था, कितना ज़्यादा गंदा था, तो इन्होंने सारी की सारी एल्गी खा दी है। और इस साइड से भी देखिए आप, इस साइड भी गंदा था, तो इस साइड से भी इन्होंने एल्गी पूरी की पूरी खा दी हुई है। और आप इस साइड से रहता है थोड़ा सा पोर्शन, तो ये भी मेरे को लगता है कि एक दो दिन में ये भी सारा का सारा पूरा क्लियर होगा। जितना भी छोटे छोटे पोर्शन पड़े होंगे ये अब बैठ के यही खाते रहेंगे। तो ये मेरा पूरा का पूरा ग्लास जो है वो बिल्कुल साफ़ कर दिया उन्होंने। तो इसलिए अगर आपके वहाँ पे भी आपके एक्वेरियम में भी एल्गी की प्रॉब्लम हो रही है अगर, तो आप इन सक्कर फिश का मदद ले सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं अपने एक्वेरियम में। और ये देखिए बिल्कुल ही क्लियर है, आपको हेडेक नहीं होगी कि रोज़ रोज़ ग्लास साफ़ करना ग्लास क्लीनर के साथ या वैसा कुछ करना या किसी और चीज़ के साथ। तो ये देखिए बिल्कुल ही क्लियर ग्लास है मेरा, आपने देखा होगा जब मैंने आपके साथ पहले वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो आपने उसमें भी देखा और इसमें भी देखिए बिल्कुल क्लियर ग्लास है। इसमें छोटे छोटे पोर्शन रहते हैं एल्गी के, वो ये खुद ब खुद खा जाएंगे, एक दो दिन में पूरा का पूरा ग्लास क्लियर कर देंगे। जो छोटे छोटे पोर्शन रहते होंगे वो भी ये कर देंगे साफ। तो अगर आपको भी एल्गी की दिक्कत हो रही है तो आप भी इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी फेवरेट एल्बिनो है तो आप एल्बिनो ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी ब्लैक फेवरेट है तो आप ब्लैक ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें परचेज़ करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपके अगर आपका एरिया जम्मू कठुआ पठानकोट सांबा कहीं पे भी है हिमाचल में, तो हम वहाँ पे वहाँ तक आपको डिलीवर कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगा। आप तब तक नेक्स्ट ब्लॉग का मेरा वेट कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, हैव रेस्ट, हैव अ गुड डे।